महाराष्ट्र की सत्ता में उलटफेर के बाद से उद्धव और शिंदे के बीच तनातनी जारी है और अब दोनों ही गुट शिवसेना पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं क्योंकि अब दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई है जिसके लिए अब दोनों गुटों की तरफ से दशहरा रैली का सहारा लिया जा रहा है इस बीच अब उद्धव की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है देखते हैं ये रिपोर्ट जैसे जैसे दशहरा नजदीक आ रहा है महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है जिसकी वजह से शिवसेना की तरफ से की जाने वाली दशहरा रैली और अब शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर बीएमसी की तरफ से फैसले लेने में हो रही देरी के चलते उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है और बीएमसी से फैसला लेने के लिए कहा है हालांकि ये रैली शिवसेना तब से करती आ रही है जब से उसकी स्थापना हुई है और ये एक परंपरा सी बन गई है लेकिन इस बार शिवसेना में दरार पड़ने के बाद इसमें पेज फंस गया है क्योंकि जिस शिवाजी पार्क में ये रैली होती आई है उस पर शिंदे और उद्धव दोनों ही अपना अपना दावा कर रहे हैं और बीएमसी से रैली करने के लिए शिवाजी पार्क की मांग कर रहे हैं हालांकि अभी बीएमसी ने कोई फैसला नहीं लिया है लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे अपना फैसला ले चुके हैं और वो किसी भी कीमत पर इसे बदलने के मूड में नहीं है दशहरा रैली को लेकर अब उद्धव की शिवसेना ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा की मुंबई महानगर पालिका की मंजूरी मिले या नहीं वो यहाँ शिवाजी पार्क मैदान में ही पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली करेगी अगर हमें कोई जवाब नहीं मिला तो भी बाला साहब की शिवसेना कार्यकर्ता दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क में इकट्ठा होंगे ठाकरे गुट का कहना है कि जिस तरह से साठ के दशक में बाला साहेब ने फेट पर खड़े होकर रैली को संबोधित किया था उसी तरह उद्धव और आदित्य भी शिवाजी पार्क में घुसकर गाड़ी पर खड़े होकर रैली को संबोधित करेंगे राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दशहरा रैली उद्धव ठाकरे और आदित्य के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है खासकर तब जब बीएमसी चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ रखा है आपको बता दें कि उद्धव गुट की तरफ से शिवाजी पार्क के लिए बाईस और छब्बीस अगस्त को आवेदन दिया गया था डीबी लाइव की रिपोर्ट